नमस्कार दोस्तों, मनिकाज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सीड बॉल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हिंदी में मिट्टी की छोटी छोटी गेंदे भी कहा जाता है या अर्थ बॉल भी कहा जाता है। जी हाँ, सीड बॉल। तो चलिए जानते हैं सीड बॉल के बारे में। इसे सीड बॉल अथवा अर्थ बॉल भी कहते हैं। यह एक नया एवं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और भविष्य के लिए ग्रीनरी बेस तैयार करेगा। इसमें मिनिमल एफर्ट की आवश्यकता होती है। सीड बॉल्स को तैयार किस प्रकार किया जा सकता है? इसमें एक या एक से अधिक बीज की प्रजातियों का भी उपयोग किया जा सकता है। 3:1 में मिट्टी और खाद लिया जाता है। सीड बॉल का साइज़ अलग अलग रख सकते हैं, परंतु छोटी रबर की बाल का साइज़ परफेक्ट है। लो सॉइल और मोर बायोमास होना चाहिए। इसे बनाते समय लेग्यूम सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेंट के रूप में रेड चिली और पिपरमेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। बनाने के बाद 24 घंटे तक शेडो में सुखाना आवश्यक है। जीवामृत भी ऐड किया जा सकता है। हार्ड सीड कोट वाली प्रजातियों का उपयोग करें तो बेहतर होगा। कहाँ प्रयोग किया जा सकता है सीड बॉल को? कहीं भी, स्पेशली रिमोट और स्लोपी एरियाज में छोटे छोटे गड्ढे करके इन्हें रख दिया जाता है। छांव वाली जगहों में डालें तो और बेहतर होगा। कब प्रयोग करें? बारिश के मौसम में सीड बॉल का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे सही समय पर अंकुरण होता है। इसके क्या लाभ होते हैं? अंकुरण दर 50-70% तक होती है। सीड बॉल टेक्निक कम लागत में तैयार होती है और कम समय भी लगता है। बस लगाइए, रखिए और उगते हुए पौधे को देखें। ये एक हरित आंदोलन या ग्रीन मोमेंट है सबके लिए। फॉरेस्ट कवर में वृद्धि होगी। यह एक एफॉरेस्टेशन टेक्निक है, सेल्फ सस्टेनेबल टेक्निक भी है और अंकुरण के लिए अनुकूल है। धीरे धीरे इन सीड बॉल से बड़ा फॉरेस्ट या जंगल तैयार किया जा सकता है। इन्हें डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज में भी अच्छी तरह यूज किया जा सकता है। इसका रिजल्ट पूर्ण रूप से आने में लगभग 3 साल का समय लगता है। 400 बॉल एक व्यक्ति एक दिन में बना सकता है। ज़मीन में बोने के बाद जो नेचुरल कंडीशंस सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए, वे सभी बॉल में हैं। ये तकनीक सभी जीवों के लिए वरदान साबित हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी सीड बॉल के ऊपर मेरी आपको छोटी सी जानकारी? आशा है पसंद आई होगी। सीड बॉल कुछ नहीं है, बस जिस तरह से हम आटे में पानी को मिलाकर उसे गूंद कर छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार पानी में मिट्टी को मिलाकर और उसमें वांछित प्रजाति के बीज मिला दिए जाते हैं और उन्हें अच्छे से गूंद कर छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सब भी बारिश के मौसम में जब भी कहीं जाएं तो अपने बैग में या पॉलीथीन में इस प्रकार की सीड बॉल्स बना लें और उन्हें आपका जहां मन करे, जैसे गार्डन, खेत, कैंपस, स्कूल में, जहां भी आपका मन करे कि हमें यहां पे थोड़ी सी ग्रीनरी चाहिए या फॉरेस्ट चाहिए, वहाँ आप उन्हें फेंक दें या डाल दें, बिखेर दें, या लगे तो गड्ढे करके उसमें रख भी सकते हैं। और फिर आप देखिएगा कि कुछ समय बाद धीरे धीरे आपकी फेंकी हुई ये सीड बॉल से एक अच्छा फॉरेस्ट तैयार हो गया है। तो मुझे यकीन है कि आप इस बारिश में इस प्रकार का ये अनूठा प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक यू।